हमारे शरीर के लिए काम आने वाले कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। चीनी में एक भी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं, जिनको अंग्रेजी में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो एक भी चीनी में नहीं है। चीनी में कैल्शियम नहीं है, चीनी में आयरन नहीं है, चीनी में पोटेशियम नहीं है, चीनी में सोडियम नहीं है, चीनी में कुछ नहीं है, न मैग्नीशियम है न मैग्नीज है। एक भी चीज जो शरीर के काम आती है वो चीनी में नहीं है। चीनी में ना प्रोटीन है, चीनी में ना विटामिन्स है, चीनी में ना कोई मिनरल है, ना उसमें विटामिन्स है, ना प्रोटीन है, ना मिनरल है, कुछ है ही नहीं उसमें। खाली उसमें मीठापन है और कुछ नहीं। और दुर्भाग्य से चीनी का जो मीठापन है वो आपके शरीर के काम का नहीं है। ये जो चीनी का मीठापन है ना, इसको विज्ञान और तकनीकी की परिभाषा में सुक्रोज कहते हैं। ये जो सुक्रोज है ये शरीर को हजम नहीं हो पाता। तो चीनी जो खाते हैं इसका मीठापन आपके शरीर में हजम नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, आप जो चीनी खाते हैं उसका मीठापन आपके खून को गाढ़ा बनाता रहता है, और खून जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो 103 खतरनाक बीमारियां आपको आएंगी। आपका मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज शुगर तो होने ही वाली है, थोड़े दिन में घुटनों का दर्द आएगा, कमर का दर्द आएगा, कंधे का दर्द आएगा, बहुत ज्यादा दिन तक अगर आप ये झेलते रहे तो किडनी खराब होगी, लीवर डैमेज होगा। 103 खतरनाक बीमारियां आती हैं चीनी के कारण। इसलिए चीनी तो बंद ही करना है आपको। जो डायबिटीज के मरीज हैं वो तो तुरंत बंद कर दें, और जो स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं वो भी चीनी खाना बंद कर दें। फिर आप बोलेंगे जी क्या खाएं, गुड़ खाओ ना गुड़। देखो आप सीधी सी बात समझ लो, एक मीठापन ऐसा है जो भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और एक मीठापन ऐसा है जो आदमी ने बनाया। ये चीनी वो है जो आदमी बनाता है, और ये गुड़ का मीठापन है जो भगवान ने बनाया। गुड़ कहां से आया, गन्ने के रस में से आया। अब गन्ना तो भगवान ने बनाया, उसमें रस भगवान ने दिया, और गुड़ में क्या होता है, गरम करते हुए गन्ने का रस गुड़ बन जाता है, हम उसमें कुछ नहीं मिलाते, बस थोड़ा गुड़ को साफ रखने के लिए गन्ने के रस में दूध मिला दिया जाता है, दूध जो आप पीते हैं, या भिंडी होती है ना, भिंडी, भिंडी का रस मिला देते हैं। तो गुड़ बनाना माने वही जो ईश्वर ने दिया आप उसी को खा रहे हैं। चीनी जो है ना ये बहुत खतरनाक है, ये बनती तो गन्ने के ही रस से, लेकिन इसमें जितने केमिकल्स डालने पड़ते हैं वो सब शैतान के बनाए हुए हैं। शैतान माने आपको मालूम है बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती। सल्फर दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है जो शैतान ने बनाया। पता है ये सल्फर किस लिए बनाया, ये बनाया गया बम और पटाखों के लिए। ये दिवाली पर हमारे घरों के बच्चे जो पटाखे चलाते हैं, इन सभी पटाखों में सल्फर ही होता है, गंधक जिसको हम कहते हैं। गंधक के मसाले से सारे पटाखे और बम बनते हैं, उसी गंधक के मसाले से चीनी बनती है। और अगर आप चीनी खा रहे हैं तो समझ लो बम पटाखों का मसाला खा रहे हैं। अब ये आप खाओगे, चीनी के साथ सल्फर जाएगा पेट में और ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा खून में, और आपको सैकड़ों तकलीफ करेगा। इसलिए इसे ना खाओ तो अच्छा है।